आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत की एक और रेसिपी जो खाने में है बहुत बहुत स्वादिष्ट और सभी की है फेवरेट। ये है फलाहारी आलू बोंडा। बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से ऐसे कि बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने किचन ट्रीट्स केटी में। फलाहारी आलू बोंडा या व्रत के लिए बटाटा बड़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। आलू को इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। इसे ज़्यादा महीन नहीं करेंगे क्योंकि बोंडा में आलू का टुकड़ा आए तो वही बढ़िया लगता है। तो आलू को मैंने क्रश कर लिया है। तो अब लेंगे एक कढ़ाई या पैन और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी या तेल, जो भी आप व्रत में खाते हो। ऑयल के गर्म होने पर इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, एक छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। मैं यहाँ हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ आलू और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को इसी तरह थोड़ी देर तक भून लेंगे। भूनने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, साथ ही इसमें जाएगा स्वाद अनुसार व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, रोस्टेड मूंगफली का दरदरा सा पिसा हुआ पाउडर। बांडा में ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ जो मैं व्रत में खाती हूँ। आप अगर इसमें से कोई भी चीज़ व्रत में ना खाते हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे। यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और नई नई रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हमारी नई रेसिपी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ मैंने आलू को अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छा मिक्स बनकर तैयार हुआ है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। ऊपर से डालेंगे इसमें नींबू का रस। अगर आप नींबू व्रत में नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। जब तक मिक्स ठंडा हो रहा है तब तक बोंडा के लिए बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कप सिंघाड़े का आटा। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। बोंडे में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे आप इसकी जगह कूटू का आटा या राजगिरा का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, एक छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक। इनमें से कोई भी चीज़ आप अगर व्रत में ना खाएं तो उसे न डालें। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे। हमें ये घोल मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है, जैसा कि पकौड़े के लिए बनाते हैं, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे विस्क की हेल्प से थोड़ी देर तक ऐसे ही फेंट लेंगे, जिससे बोंडा हल्के हल्के से बने। इस तरह से मैंने सिंघाड़े के आटे का घोल बना लिया है। देखिए इस तरह का घोल बनाकर हमें तैयार करना है। तो घोल बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू बोंडा। इधर मिक्स अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब थोड़े से मिक्स को लेकर छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको जिस साइज़ के बोंडा बनाना हो उस साइज़ की बॉल आप बना सकते हैं। इसी तरह से सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले अगर इन्हें बनाकर रख लेंगे तो बोंडा बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब लेंगे कढ़ाई में घी या तेल, जो भी आप व्रत में खाते हो, और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए
तो एक एक बॉल को उठाकर इस घोल में डिप करेंगे और फिर ऑयल में डाल देंगे। आप इसे हाथ से भी डाल सकते हैं या फिर फॉग की हेल्प से भी, जिसमें आपको आसानी रहे। इन्हें डालने के तुरंत बाद इन्हें टच नहीं करना है। जब ये हल्के से सिक जाएंगे और ऊपर आने लगेंगे, तब हम इनको धीरे से पलट देंगे और अलट पलट कर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अब आप देखिए कितने अच्छे से बोंडा फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इनमें। बहुत मस्त लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं। आप इन्हें व्रत में ज़रूर बनाइएगा। आप अगर इन्हें इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आएगा। बहुत ही बढ़िया से बोंडा सिक गए हैं, एकदम क्रिस्पी से हो गए हैं। तो अब इन्हें निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से बचे हुए बोंडा को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सेकंड बैच के बोंडा भी अच्छे से सिक कर तैयार हैं। तो ये लीजिए, व्रत के बहुत बहुत स्वादिष्ट क्रिस्पी मजेदार आलू बोंडा बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये आलू बोंडा। मैं इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ व्रत वाली मूंगफली की चटनी और दही के साथ। अब इसे इस तरह से देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।